हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकास किचन। आज मैं परवल की मिठाई बनाने जा रही हूँ, तो आप सब प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। तो सबसे पहले हमने ये जो है 8 से 10 परवल ले लिया है, इनको हमने धो के छील लिया है और उसके बाद ये देखिए इनको फाड़ के एक साइड से सीड्स के बाहर निकाल दिए हैं। तो इस तरह से सारे परवल हमने कर लिए हैं। फिर हमने खोया लिया है, 100 ग्राम करीब है। ये 2 बड़े टेबलस्पून हमारा नारियल का बुरादा या ग्रेट किया हुआ नारियल है। फिर हमने थोड़े से ये नट्स लिए हैं, बादाम और पिस्ता है। फिर ये हमारा मिल्क पाउडर है, जिसमें हमने थोड़ी सी शुगर पाउडर भी मिक्स कर रखा है, यानी कि चीनी पीसी हुई और मिल्क पाउडर मिक्स करके 2 बड़े टेबलस्पून लिया है। फिर हमने ये केसर लिया है 8 से 10 धागा, और हमारा ये छोटा टेबलस्पून जो है हाफ इलायची पाउडर है। ये सारी चीजें हमारी स्टफिंग के लिए हो गई, और हमने ये 1 बाउल चीनी लिया हुआ है चाशनी बनाने के लिए, और ग्रीन कलर है हमारे पास। अब सबसे पहले हम जो है एक भगोने में, या आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, उसमें करीब हमने 1.5 ग्लास पानी ले लिया है। अब इसको हम उबलने देंगे। ये पानी में देखिए ये उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें जो है 1/2 चम्मच हरा रंग डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेंड्स रंग नहीं है, तो आप इसमें खाने वाला सोडा भी डाल के 2 से 3 मिनट तक उबाल सकते हैं, ताकि जो है ये हमारा परवल जो है उसमें ब्राइट ग्रीन कलर आ जाए। इसमें मैं ये 1/2 चम्मच हरा रंग, जो हमारा फूड कलर है, वो डाल के हम इसमें सारे अपने छिले हुए परवल डाल के इन्हें ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक में हमारा परवल पक रहा है, उतनी देर में हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने करीब जो है 150 ग्राम चीनी, जो कि एक कटोरी हमने ली थी, वो एक पैन में डाल दिया, और उसमें हम जो है 1 ग्लास पानी उसमें डाल रहे हैं। हमें इतना ही पानी लेना है कि जो हमारा परवल जब हम इसमें डालें तो वो अच्छी तरह से चाशनी में डिप हो सके। चाशनी हमें जो है एक तार की बनानी है, जिसमें लगभग जो है 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो ये हम चाशनी बनने देते हैं, उतनी देर में हमारा जो है ये देख लेते हैं, परवल को देख ले रहे हैं। ये परवल हमारा जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। टोटल परवल को पकने में 4 से 5 मिनट लगे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और परवल को जो है डायरेक्ट ही हम इसमें से निकाल के चाशनी में डालेंगे। ये पानी से जो है डायरेक्ट निकाल के हम जो है छन्नी की हेल्प से सीधे चाशनी में डाल रहे हैं, और चाशनी में ही लो से मीडियम फ्लेम पर हम जो है इसे एक उबाल आने तक जो है पकाएंगे, और उसके बाद फ्लेम ऑफ करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक जो है इसको ढक के हम छोड़ देंगे। जब तक हमने जो है परवल को चाशनी में डिप करके रखा है चाशनी एब्जॉर्ब करने के लिए, उतनी देर में हम जो है परवल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है हमने खोए को जो है थोड़ा सा मेल्ट करना है, 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे ही हल्का सा भून लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको खोया बनाने का तरीका या रेसिपी जानना है, तो आपको राइट साइड में टॉप पर देखिए आई बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो मेरी जो खोया बनाने की रेसिपी है वो आ जाएगी, और आप उसमें जाके देख सकते हैं। खोया अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो है शुगर एंड मिल्क पाउडर का मिक्सचर जो था वो मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप पसंद नहीं करते तो सिर्फ मिल्क पाउडर मिला सकते हैं, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसी आप मतलब आपको सुविधा हो। उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और ग्रेट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स भी जो है आप अपनी मर्जी से प्लस माइनस कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा ये नारियल का जो बुरादा है ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ओनली गार्निशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।
ये परवल का जो स्टफ है ये तैयार हो गया। इसको हम फ्लेम ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने छोड़ देंगे। 2-3 मिनट में ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही। उतनी देर में हम जो है सारे परवल को चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे परवल हम जो है चाशनी से बाहर करके हल्का सा ठंडा होने देंगे 2-3 मिनट तक। ठंडा मतलब फ्रिज में नहीं ले जाना हमें, यहीं पे रूम टेम्परेचर में ही, ताकि हम उनकी स्टफिंग अच्छी तरह से कर सके, क्योंकि स्टफिंग हमें हाथों से करनी होती है। अब हम इनकी जो है स्टफिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो साइड से हमने काटा हुआ था उसके अंदर इस तरह से जो खोए का स्टफ है वो अच्छी तरह से फिल कर करके हमें रख लेना है। फिर हम इनकी गार्निशिंग उसके बाद करेंगे। पहले सारे पर्वल की फिलिंग कर लेंगे एक एक करके। ये देखिए हमारी जो है स्टफिंग हो चुकी है परवल में। स्टफिंग के बाद हमने बहुत सारे मिक्स्ड ड्राई फ्रूट से हमने इसकी गार्निशिंग की है। जैसे हमने चिरौंजी भी यूज कर लिया है, केसर भी यूज किया है, बादाम है, पिस्ता है, आप काजू भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमने ये जो है टूटी फ्रूटी भी गार्निशिंग में यूज की है। तो अगर आप टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड में टॉप पर आई बटन है, उसमें देख सकते हैं आप क्लिक करके। अगर फ्रेंड्स आपने अभी भी वीडियो को चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।